बड़े मज़े का कॉन्टेंट होता है पार्क व्हील्स का, तो उनके सोशल मीडिया पर जाएँ, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और उनको फॉलो करें. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंजर, मैं पार्क व्हील यूज़र रिव्यू के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. जिस हस्ती का हम रिव्यू करने आए हैं, ये हस्ती आजकल गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में ले रही है और यूज़र भी बढ़ते जा रहे हैं. तो क्या हाल है साथ में? ठीक है, शुक्र. आप बताएं आपको साथ, मेरा ख्याल मैं ही कहता हूँ, बाकी सारे तो डकी कहते हैं. कभी कुछ लोग साथ कह लेते हैं, कुछ लोग डकी कह लेते हैं. जिनका सिर्फ इंटरनेट का ताल्लुक होता है वो डकी कह लेते हैं, हमारा अक्सर दूसरी गप्पे भी लग जाती हैं. तो आप साथ के नाम से, तो साथ में ये बताएं कि आज हम आपकी जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? ये है 2023 फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2.8. ठीक है. अच्छा, ये मैं तो खैर इस प्रोसेस में शुरू से शामिल था, लेकिन हम अपने ऑडियंस के लिए पूछते हैं. तो आपका ये जो बेसिकली वर्किंग थी या आइडिया, हाउ डिड यू कम अप विद कि यार मैंने ये गाड़ी लेनी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक भी थी, ई-ट्रॉन जीटी आपने ली, आपके पास और भी गाड़ियाँ हैं, तो हाउ डिड यू कम अप विद दिस डिसीजन कि मैंने फॉर्च्यूनर लेनी है? यार मेरा 4x4 रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरी मोस्टली स्पेस की थी चाहिए, और मुझे चाहिए थी कोई अच्छी पावरफुल गाड़ी चाहिए. लेकिन मेरा वो 4x4 मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं थी, मेरी स्पेस ज़्यादा प्रायोरिटी थी. क्योंकि अक्सर हम कभी जा रहे होते हैं ना एयरपोर्ट, तो ये वो हम दो बंदे बैठे होते हैं, सामान हमारा पूरा नहीं आ रहा होता गाड़ी में, डिग्गी में दो तीन टची केस, कभी ये हैं तो कभी ये, इस टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, और अक्सर ज़्यादा लोग भी बैठाने हो तो भी इशू होता है. तो मैंने कहा स्पेस, एक ना अच्छी 5-7 सीटर गाड़ी लेता हूँ, तो उसके अंदर मैंने जो था फॉर्चूनर लेजेंडर, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, एक अच्छी एग्रेसिव लुकिंग गाड़ी चाहिए थी. और फॉर्च्यूनर के अंदर भी हमारे पास सिग्मा की ऑप्शन थी, लेजेंडर की थी, सुपर एक जीआर आता था. तो हाउ डिड यू डिसाइड कि यार मैं ये इसको पिक करता हूँ? यार जीआर में मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं की थी, वरना बाद में मैं जब मैंने ले ली थी ना, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से और मिला के मैं जीआर भी ले सकता हूँ, वो टॉप ऑफ द टॉप हो जाता मेरे पास. लेकिन मैंने लेजेंडर इसलिए ली थी क्योंकि ये शायद आपको बहुत स्टूपिड सी बात लगे, लेकिन यूट्यूब पे जो है ना लेजेंडर थोड़ा टर्म लेजेंडर मेरा ख्याल है वो जिसने आप कह रहे सिनोनिमस टर्म बन गया कि आप फॉर्च्यूनर के जो लोग कहते हैं लेजेंडर, ये नहीं कोई कहते जीआर लेना, लोग कहते लेजेंडर लेना, तो उस लिहाज से आपने कहा चलो यार लेजेंडर ले लेते. सही है. अब जिस तरह ई-ट्रॉन जीटी, मैं सेकंड ओनर हूँ ई-ट्रॉन जीटी का, फिर भी वो आई थिंक कोई 2900-3000 तक चली है. सही है, ठीक है. और ये अभी मैंने 0 मीटर ली है और ये 2000 चल भी गई है, और इसको भी महीना डेढ़ हुआ है. इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता मैं कहाँ जा रहा हूँ, ई-ट्रॉन जीटी के लिए पहले प्लान बनाना पड़ेगा ना कि आप मैं यहाँ जा रहा हूँ. और जब से मैंने जब से मैंने ये लिया ना ई-ट्रॉन जीटी, एक बार भी नहीं चलाई, बस एक दो बार शादी में गया हूँ कभी इधर, उसके लिए मैंने वो वैसे भी वीकेंड कार है, ये एवरीडे कार हो गई आपकी. सही है. अच्छा, अगर इसको आपने 2000 किलोमीटर चला लिए, वैसे मुझे पता है कि आप इस तरह के आदमी हैं कि आप नोटिस नहीं करते, लेकिन फिर भी कोई आइडिया है कि फ्यूल एवरेज क्या दे रही है आप? यार ये फ्यूल एवरेज मुझे दे रही है 9. बड़ा कैलकुलेट किया, एग्जैक्ट मीटर भी यही बता रहे. वाह हाँ वाह, 9 किलोमीटर पर लीटर दे रही है. सही है. और अभी इसको लॉन्ग ट्रिप पे लेके गए? नहीं, मैं लॉन्ग ट्रिप पे नहीं अभी लेके गया, ये अभी लाहौर में चली है. अच्छा, लाहौर में 2000 बड़ी चली है. हाँ मैंने बहुत चलाई है. अच्छा, अगर कोई चीज़ इसकी आप मतलब, क्योंकि आप मुझे पता है टेक डिवाइसेस बहुत यूज़ करते हैं, तो इसका जो हेड यूनिट है इसमें मुझे नज़र आ रहा है एंड्रॉयड ऑटो वाइड तो है, क्योंकि मेरा फ़ोन लगे से फॉलो पाया है, लेकिन इसके जो है वैसे इसमें एंड्रॉयड ऑटो नॉन वाइड भी है कि नहीं? नहीं नहीं, इसमें सारे वायर्ड हैं, एंड्रॉयड ऑटो भी वायर्ड है, इसके अंदर एप्पल कार प्ले भी वायर्ड है, और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है. क्योंकि एक तो आई पर्सनली थिंक ये है अभी काफ़ी लो क्वालिटी का, देखे ना लैगी लैगी सा है, इसकी बजट ऑफ दिस कार में मतलब 2.25 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में ये नहीं होना चाहिए. यही मैं कह रहा कि अब देखिए मैंने मुझे पड़ी है 2.16 की, आई थिंक इतनी की पड़ी है, 2.16 करोड़ रजिस्टर करा के आपको पड़ जाएगी 2.25 पूरी आराम तकरीबन इतना ही. ठीक है, उस हिसाब से ये सिस्टम बहुत लाइक फारिक सा लगा हुआ है. ठीक है ठीक है. उसके बाद एक जो चीज़ मैं मिस करता हूँ वो ये है कि वायरलेस चार्जिंग की जगह लिटरली दी हुई है, और इंडिया में जो गाड़ी आती है उसमें भी आती है, जो इंटरनेशनल आती है उसमें भी आता है, इसमें नहीं है. ठीक है ठीक है. और इसके अलावा जो मुझे इसका इसकी कनेक्टिविटी जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं आवाज़ आती है कि ज़ोर से बोलना पड़ता है? नहीं नहीं, वो इतना सेवे की याद होगी उसमें तो होता है हेलो आवाज नहीं आ रही. अच्छा, क्या सही कर रहे हो? सही बताऊं तो वॉइस नोट की इतनी सी आवाज आती है हल्की सी. अच्छा, अगर मैं वॉइस नोट, क्योंकि एप्पल कार प्ले से चलाया वो वापस स्पीकर में स्विच करो वो थोड़ा खुआली हो जाती है. हाँ, उस हिसाब से इसका माइक्रोफोन भी बहुत फारिग है. सो हेड यूनिट टोटल आप इससे सेटिस्फाइड? हेड यूनिट से मैं सेटिस्फाइड नहीं. रिवर्स कैमरा सही टाइम पे चल जाता है? नहीं,
मेरा में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई है नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, वैसे पूछ रहा हूं, यानी कैमरा ठीक है? नहीं, कैमरा अच्छा जी, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, ये एंबिएंट लाइटिंग आ गई जो कि ये लेजेंडर के अंदर आती है, दूसरे में नहीं आती। हां, बस माड़ी जी हल्की सी एंबिएंट ही है, इतना कोई वैसे है। हां, एक ही है बस, यहां पे है, पीछे तो नहीं है, बट इंटीरियर का कलर बेहतर है, आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, दूसरे में नहीं आता। इंटीरियर का बहुत अच्छा है, ठीक है। और लेकिन मुझे जब मैंने बेज रियल में देखी थी ना, तो मुझे वो अच्छी लगी थी ज्यादा, जो सिग्मा आता है सिंपल प्लेन वाला। अच्छा, वो ये है कि इंसान की नेचर ये है कि वो शुरू में मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन वो इतने अरसा देख देखते कि चेंज आया तो अच्छा लगता है। और जीआर में थोड़ा दो तीन ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास सिविक में भी यही कलर था ना, मैरून मैरून सा, तो हो सकता है मुझे शायद इसलिए सेम सेम लग रहा हो। लेकिन जब मैंने एक लड़की की मैंने बेज देखी थी, तो मैंने कहा अच्छा कलर है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो कि आप मिस करते होंगे, आप कहते हैं यार इस गाड़ी में ये भी होती, तो ये आपने बता दिया कि ये यूनिट चेंज होना चाहिए था। हाँ, यूनिट चेंज होना चाहिए था, वायरलेस चार्जिंग ऐड होनी चाहिए थी, कुछ चीजें हैं जो लाइक बहुत बेसिक थी। फॉर एग्जांपल, अब ये है ना, ये एम ही बंद हो जाता है, इसको चाहिए थोड़ी बहुत ना शॉक टाइप। हाँ, थोड़ा मतलब इसके अंदर वो होता, क्योंकि ये अक्सर हुआ है ठक करके बंद होता है। सही है। और उसके बाद जो है ना, ये अगर वायर्ड उन्होंने देना भी है ना एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले, तो इनको चाहिए था कोई यहाँ पे इस तरफ कोई छुपी हुई वायर्ड बनाते, ये लंबी अच्छी नहीं लगती। सही है, ठीक है। उसके बाद सनरूफ, वनरूफ मैं इतना मिस नहीं करता, इतना इशू नहीं है मुझे कि सनरूफ है नहीं, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं होता तो बड़ी बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल फॉर्च्यूनर में कहीं भी सनरूफ आता है। और स्पीकर जो है ना वो बहुत फारिग है, ऑडियो यूनिट यानी ये क्वालिटी भी फारिग है। हाँ, so this head unit and the audio इस पे काम किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि प्राइस के हिसाब से अगर बड़ा मशवरा मुफ्त में ले दिया आपको, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी है नहीं कोई। हाँ, इससे मतलब गाड़ी की कोई प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं, 10-15 हज़ार का वायरलेस चार्जर लगाने से कोई 3 करोड़ की गाड़ी नहीं हो जाएगी वो तो। अगर आप इतने पैसे ऑलरेडी ले रहे हैं, मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ गरीबों की पराडो है, अब तो गरीबों की भी नहीं रही, गरीब तो फॉर्च्यूनर भी ले सकता है। फॉर्च्यूनर स्टार्ट हुई थी 55 लाख रुपए से, अभी 2.5 करोड़ पे चली गई। लेकिन आपके पास यही है, जब आप इतने पैसे ले रहे होते हैं तो ये छोटी छोटी फ्रिल्स मैटर करती हैं। इस तरह अभी पिछले दिनों वो लॉन्च हुई है गाड़ी, उसके अंदर हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम है, मैंने आज आपको सुनाया भी, तो एक वैसा बाजा लगा खूबसूरत हो, ये छोटी बहुत बेल्स एंड फ्रिल्स हो, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो ये चीजें अगर आ जाए तो ये टोयोटा वालों आपके लिए बेहतरी है वैसे तो, अब लेकिन नहीं भी आएगी तो क्या कर लेंगे। अच्छा, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो इतना सख्त है कि मैं जब इसके बाद ईट्रॉन चलाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं स्टीयरिंग है ही नहीं इसका। मतलब इतना, इवन सिविक भी अगर चलाऊं तो भी स्टीयरिंग व्हील मुझे इसका बहुत सख्त है। अच्छा, इसके अंदर VFC स्टीयरिंग है, उसको वेरिएबल जो है ना फंक्शन स्टीयरिंग बोलते हैं, वो बेसिकली VFC पता नहीं किसके लिए स्टैंड करता है, अभी मैं गलत अंग्रेजी बोल दूं, लेकिन उसका मकसद मुझे पता है, वो बेसिकली हाई स्पीड पे स्टिफ हो जाता है, ताकि अगर आप मोटर वगैरह पे हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो थोड़े से जगह से गाड़ी एकदम ना हो जाए, लो स्पीड पे वो थोड़ा जो है ना रिलैक्स होता है। बट ऑब्वियसली विद एन ऑडी ईट्रॉन यू कैन नॉट कंपेयर इट, बट योर पॉइंट टेकन। अच्छा, पैडल शिफ्टर यूज किए कभी? मैंने मतलब टेस्ट करने के लिए यूज किया, लेकिन मैं एवरीडे में कभी भी नहीं यूज किया, और यानी आम ड्राइव पे नहीं, लेकिन खासतौर पे जब हाईवे पे या डाउन हिल आ रहे हो ना तब इसका बड़ा मजा आता है। अच्छा, मोटरवे पे वगैरह पे कभी सॉल्ट रेंज में जा रहे हो ना तो बड़े मजे की चीज है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने जो बटन दे दिए जो पहले वाले में नहीं थी, इको नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड है, आप ज्यादा इको में चलाते हैं स्पोर्ट्स में? इको में, इको में मैं वैसे ट्राई माय किया है पिक्चर चेक करने के लिए नॉर्मल स्पोर्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे डाउन हिल असिस्ट आ गया, इस फंक्शन को भी आपने यूज नहीं किया होगा? टेस्ट किया हुआ है, नीचे जाते हुए मतलब शोरूम में एक जगह थी हल्की नीचे ना, तो वो अपनी मर्जी की स्पीड से वो नीचे जा रही है और रुक भी गई थी, खुद रुक भी गई। शुरू में बंदा ट्राई कर रहा होता है कि ऐसी चीजें बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं ट्राई करना, अगर फेल हो गया तो गुली लग जाएगी, तो अगर नहीं लग गया तो गड्डी लग जाएगी, तो ये इससे मुझे डर लगता है। बट ये ऐसी ऑप्शन है जो कि मतलब बहुत कम यूज होती है। इसका एक कप होल्डर का भी यूज किया? हाँ, मैं यही वाला यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल पर होता है। हाँ, इन्होंने कूल बॉक्स भी क्लेम किया है, पता किधर है यार? ये है, लेकिन मैं मुझे तो मजाक ही लगता है, ये कूल बॉक्स है नहीं असल में, अभी इनको कूल बॉक्स बस ठंडी हवा एसी की गुजर रही है इसमें, तो अगर आपको ठंडी चीज रखेंगे तो ये है कि वो शायद मॉडरेट रहे, गर्म ना हो, ठंडी कोई नहीं करता उसको, फ्रिज फ्रूज नहीं कहते लोग, अलग समझते हैं। गाड़ी की पेक्षिक वैसे मजे की? हाँ, ड्राइव बहुत मजे की है, ठीक है। और मैं कंपेरिजन मुझे जो है, अगर आप जब मैंने एक बार प्राडो चलाई थी ये चलाने के बाद, तो मुझे थोड़ा बहुत रिग्रेट हुआ कि यार काश मैं प्राडो ही ले लेता थोड़े से स्लाइटली और डाल के। सही है। तो बट प्राडो का ये है कि प्राडो की सस्पेंशन ड्राइव बहुत स्मूथ होगी इससे, लेकिन अगर वो 2.7 होगा तो वो हाईली अंडर पावर है। हाँ। और अगर 4 लीटर होगा तो आपकी जेब पे इतनी पावर डालेगा। कितने की है 4 लीटर वाली प्राडो? यार 4 लीटर प्राडो इस प्राइस में जो मिलेगी वो होगी 2000, मैक्सिमम भी होगी तो वो 14-15 की गाड़ी होगी। अच्छा, नहीं फिर ठीक है, क्योंकि मुझे 2023 की गाड़ी मिली है, 2023 की गाड़ी है ना ये। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर आपको प्राडो नहीं लेनी होगी तो वो तो बहुत ऊपर चली जाएगी, क्योंकि मैंने इस प्राइस ब्रैकेट में 2014 का प्राडो आएगा 1GR।
अच्छा इसकी अभी तो 2000 चली, सर्विस नहीं कराई ना अभी तक? मैंने 1000 वाली सर्विस करवा ली है। हाँ, और अभी अगली उन्होंने मुझे 5000 का बोला है। हाँ, 5000 पे होगी। कोई आइडिया है कि क्या चार्ज करते हैं या क्या सर्विस वगैरह? अभी तो उन्होंने मुझे फ्री में कर दी ही, पहली वाली फ्री होती है। हाँ, तो इसलिए मुझे चार्जेस का मुझे नहीं पता कि कितना होता है। वैसे कितना होता है आपको शायद आइडिया हो यार? इसकी जो सर्विस चार्ज है वो तकरीबन आप समझ लो हर 5000 किलोमीटर के ऊपर आपके लग जाएंगे तकरीबन 16-18 हज़ार रुपए ऑयल चेंज समेत। हाँ, वो इतना ऑयल चेंज समेत। अच्छा, इसकी जो पिछली सीट है वो कोई यूज करता है आपके घर में से? हाँ, पिछली सीट का कम्फर्ट कैसा? पिछली सीट का कम्फर्ट मैं तो नहीं बैठा हुआ, और फैमिली क्या कहती है, कि ठीक है नहीं? हाँ, मतलब खुली, मतलब उनको तो सही है, काफी ओपन फील आता है, और रिक्लाइन भी हो जाती है पिछली सीट। हाँ, रिक्लाइन भी। अच्छा, ये 7 सीटर होती है, कभी पिछली 3rd row यूज करने का मौका मिला? नहीं, सामान ही आया फिलहाल तो। अच्छा, इलेक्ट्रिक सीट आपके वाली भी आ गई ना, पहले नहीं आती? हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक है। अजीब अजीब, पहले नहीं देते थे। अच्छा, लेकिन इसमें लंबर स्पोर्ट नहीं है? हाँ, नहीं, वो नहीं है। अच्छा, और ओवरऑल ये इसकी चीज है, मेरा ख्याल ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली इज नॉट एन इशू विद फॉर्च्यूनर, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कोई इशू नहीं है, वैल्यू भी रिटेन करता है, सारा कुछ करता है। अच्छा, ये आपने पिछली गाड़ी पीपीएफ कराई थी, इसको कराना है पीपीएफ? इसकी ये हुई है पीपीएफ, कराई है? हाँ। आप तो बड़ा पूरा प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिसको। तो पीपीएफ के क्या चार्ज लगे इस साइज की गाड़ी के अंदर? यार मुझे लगा था 6,80,000 पीपीएफ का। बंदा नाल रख लो जिहड़ा गाड़ी चला रहा है, 6,80,000 रुपए। नहीं, वैसे आपस की बात है, एक दो दफा मेरे दाद भी दोस्तों के साथ हुआ है, तो फायदे की चीज है, करा लें जी। वैल्यू खैर एक अलग सवाल है कि उस पर बंदा कराए या ना कराए, क्योंकि मजे की बात है कि वही वाला डिसीजन है, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। हाँ, दोनों की एक ही प्राइस है। हाँ, वो 2011 है, ये 2023 है, बट अगेन रिलायबिलिटी, ये 0 मीटर है। उस पे आप अभी, मैं कहता हूँ कि आप उसको स्टार्ट करें, यहाँ से कर दू जाए, वहाँ आप उतरेंगे बिल्कुल फ्रेश होंगे। हाँ, इसमें नहीं होंगे। इवन पीछे की सीट्स भी इसकी इतनी कोई बहुत ज्यादा पीछे भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। मैं कहता हूँ कि मतलब ये 0 मीटर गाड़ियों में सबसे महंगी मेरा ख्याल है गाड़ी होगी पाकिस्तान की। और उस लिहाज से जो इसमें हमने बात की है कि साउंड सिस्टम, हेड यूनिट, ये चीजें इंप्रूव होने वाली है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। टोयोटा वाले देख रहे होंगे, फ्री हमने इंप्रूवमेंट टिप दे दी है, एंड अगेन हमारा कोई मतलब अल्टीरियर मोटिव नहीं है कि हम गाड़ी की कोई बुराई करें। उन्होंने पैसे भर के गाड़ी ली है, तो जो उनकी फील है हमने वो आपको बता दी है सबको। आप भी जो लोग अगर यूज फॉर्च्यूनर लेना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पे जाएं, यूज फॉर्च्यूनर की बहुत ज्यादा लिस्ट है, या गूगल पे जाके पार्क व्हील्स फॉर्च्यूनर या पार्क व्हील्स लेजेंडर लिख दें तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। याद रहे, यूज गाड़ी खरीदने से पहले इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल कर लिया करें। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए आप एंड्रॉइड iOS पे हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या 0422111943357 पे कॉल करके भी इंस्पेक्शन बुक करा सकते हैं। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मैंने सब्सक्राइब बोलना भी सीख लिया है, पहले मैं सब्सक्राइब बोलता था, पता नहीं क्या बोलता था, जो भी बोलता था मकसद पता लग गया, वो कर लें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें तो आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदमा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।